So we have new platinum equipment for Sun family and today I am going to use Sun family with this equipment. इसलिए मैंने तीनों में एक एक इक्विपमेंट वाला लगा दिया जिससे हमको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो इस इक्विपमेंट में स्ट्राइक अटैक एंड स्ट्राइक डिफेंस एंड ब्लास्ट अटैक एंड ब्लास्ट डिफेंस दोनों है. तो आई थिंक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है सन फैमिली के लिए. तो लेट्स गो विद सम पीपी, देखते हैं किस तरह का इक्विपमेंट होगा इस टीम के लिए. ओके सो फर्स्ट मैच वी अप अगेंस्ट द यूनिवर्स रैप टीम. ओके तो मुझे पता नहीं इसने वेजिटो ब्लू से स्टार्ट क्यों किया बट मैं यहाँ पे चेंज करूँगा. ओके तो आई डोंट नो इसने क्यों किया, इसकी एक एबिलिटी ख़राब हो गई बट ओके इट्स फाइन. लेट्स गो, आई थिंक ये स्विच करेगा. तो लेट्स गो विद द ब्लास्ट, नॉट बैड डैमेज बिकॉज वो 14 स्टार भी एक तरह से, तो थोड़ा सा डिफेंस बढ़ जाता है बट यार गोकू अच्छा डैमेज दे रहा है. ओके ने चेंज अभी भी नहीं किया. नाइस ड्रॉप. ओके तो एटलीस्ट ने यहाँ पे स्विच किया, मतलब मुझे लगा ये मतलब डेड होने देगा. ओके तो इट्स फाइन. नो तो यहाँ पे मेरे को संभल के रहना पड़ेगा बिकॉज ये अपना स्पेशल मूव निकालेगा, दैट्स वाई. ओके तो ओके नाइस. ओ ओके मुझे लगा नहीं था आगे आएगा. ओके मैं अब स्विच कर रहा हूँ, डेड होता है ऑब्वियस सी बात थी बिकॉज इतना डैमेज तो उसने मेरे ग्रीन गोकू को दे दिया. ओके ने स्विच बहुत जल्दी किया वैसे बट लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है. अब आई डोंट नो ये क्या कर रहा है बट ये एकदम वो खेल रहा है. ओके ने डेड करवा दिया अपना मैजेंटा, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी. यहाँ पे डैमेज बहुत ज़्यादा मिलने वाला है मेरे को. ओके सो मेन एबिलिटी लेट्स सी, यहाँ पे मेरे पास वैनिश भी नहीं है. ओ लेट्स विन दिस 69. ओ ओके 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 इट्स फाइन. आई मीन आप गोकू को ज़्यादा हम देख पाएंगे. ओके सन नो. ओ मैं यहाँ पे कार्ड दबाने वाला हूँ. ओके नो बड़ा दिक्कत तो हो रही है, मतलब उसके बाद ग्रीन कार्ड हो सकता है. लेट्स गो विद दिस स्ट्राइक. ओके अनदर क्लैश. ओके तो यार हम जीत गए. तो यहाँ पे मैं ड्रॉप करूँगा बिकॉज लेट्स गो पकड़ लिया मैंने यहाँ पे. मैं अपना अल्टीमेट अभी नहीं करना चाहता, बस मैं कार्ड चाहिए थोड़े से. ओके तो लेट्स सी डैमेज कम ही जा रहा है एक तरह से. ओके तो बट मेरा डिफेंस सही है एक तरह से. तो लेट्स गो विद द अल्टीमेट एंड लेट्स सी डेड होगा या नहीं होगा. देखो डेड लग रहा है. डेड नो. ओके तो मैं यहाँ पे क्विक अटैक करने की कोशिश की थी बट गेम स्टक हो जाती है जिसे कहते हैं. ओके तो यहाँ पे जिरेन ख़त्म, मैंने साइड स्टेप देख लिया था. तो अब वेजिटो ब्लू से हमें यहाँ पे फेस करना पड़ेगा. ओके तो ये शुरू से ही इस तरह से खेल रहा था बट लेट्स सी ये गेम वैसे भी ख़त्म गेम है. लेट्स गो विद दिस नेमिक गोकू. या डैमेज नॉट बैड डैमेज. लेट्स सी हमको डैमेज और एंड डिफेंस दोनों देखना है टीम का. तो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन. ये ख़त्म है मैच. नेक्स्ट मैच वी अप अगेंस्ट इज आई थिंक सुपर सेयन टीम. ओके तो सुपर सेयन टीम यार मेरे को पसंद तो है बट इनसे फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. ओके तो इसके बाद एक तो बस एक कवर चेंज है, स्ट्राइक कवर चेंज. एंड ये चीज़ सबसे बड़ी कमजोरी सुपर सेयन टीम की यही है. आई मीन बहुत से सुपर सेयन करेक्टर हैं बट उनके पास कवर चेंज नहीं होता है, दैट्स वाई थोड़ा सा वीक पड़ जाती है टीम. बट डैमेज के मामले में बहुत ज़्यादा बहुत. ओके नाइस पेशेंस यार. मुझे लगा यहाँ पे वैनिश लेगा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने. नो यार स्पेशल मूव क्यों किया यार इतनी. अभी तो मेरा शुरू हुआ था. ओके तो मैं इसका सुपर सेन बफ ख़त्म कर रहा हूँ, मैं स्विच कर लिया. ओ गॉड
मैं सोचा इसका सुपर सैयन बफ खत्म करूँ, तो लेट्स गो द ग्रीन पकड़ लिया मैंने। ओके तो नाइस नाइस, आई थिंक ये डेड होने देगा इसको, डेड क्या होने देगा, डेड हो गया। लेट्स गो विद द मेन एबिलिटी, नो मूवमेंट्स। ओ शिट यार, मैं यहाँ पे पी वी का इंतजार कर रहा था बट ओके एटलीस्ट रिवाइवल था हमारे पास तो ओके। लेट्स सी यहाँ पे इसके पास स्पेशल मूव आ चुका है इसके पास। ओके क्रिटिकल भी आ गया इसके। लेट्स गो विद दी वन और वन एक और, ओ पी वी मिल गया हमको, आई थिंक लैग की वजह से हुआ था वो। हम इसको गेम छोड़ देनी चाहिए आई थिंक यहाँ पे, फिर कार्ड मेरे पास यहाँ पे आएंगे भी अच्छी तरह। और लेट्स सी एक और कार्ड चाहिए, ब्लास्ट से कुछ नहीं होगा। यार मैं क्या करूँ, मेरे पास एलएफ करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, तो मैं एलएफ कट ही कर देता हूँ। तो यार मैं हमेशा कट कर देता हूँ, तो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट मैच वी अप अगेंस्ट द फ्यूजन टीम, नाइस। तो यार ये फ्यूजन टीम बहुत ज़्यादा अब टायर लिस्ट में चल रही है बिकॉज यार इसके अंदर रिवाइवल आ चुका है, दैट्स व्हाई। तो इसने स्टार्टिंग बड़ी स्टूपिड वाली करी थी। ओके तो इन्हें चेंज किया यहाँ पे, नाइस। लेट्स सी ये कब चेंज करेगा, मेरे पास ग्रीन कार्ड है यहाँ पे, लेट्स गो विद द ग्रीन। तो इन्हें चेंज किया, मुझे लग रहा था कि ग्रीन कार्ड पे चेंज करते हैं मैक्सिमम बंदे। तो यहाँ पे मैं फ्रीजा की ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं फ्रीजा को कम से कम ही निकाल रहा हूँ बिकॉज सन फैमिली है नॉट अ फ्रीजा फैमिली, दैट्स वाई। ओके सो लेट्स सी, मुझे चेंज करना चाहिए चेंज, यस। मुझे लगा है ब्लास्ट होगा बट मुझे फाइन। ओके ये बड़ा स्टूपिड वाला कवर चेंज किया बंदे ने यहाँ पे, गिमिक टैकल स्पेशल मूव नहीं, हाँ टैकल। लेट्स गो मुझे ग्रीन करना चाहिए। ओके तो इन्हें चेंज किया, लेट्स सी मेरे को यहाँ पे डैमेज देखना थोड़ा बहुत अभी। ओके नॉट बैड नाइस कवर चेंज, आई मीन पेशेंस के साथ खड़ा था भाई बड़ी देर से। ओके थैंक यू। यार इसके पास गोजीटा है जिसका मतलब गेज थोड़ा दिक्कत दे रहा है, ये आ गया वापस। तो यहाँ पे मैं ब्लास्ट नहीं, मैं स्पेशल मूव जा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास एलिमेंट फैक्टर है, तो आई थिंक डैमेज सही जाएगा, नॉट बैड डैमेज। मेरे पास वैनिश आ गया। ओके नो तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज यार बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा बाद में। ओके तो इसका गोजीटा हमने ख़त्म करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक टाइम पे हम वेजिटो को ख़त्म कर सकते हैं बट गोजीटा बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। ओके ये थोड़ा स्टूपिड हो गया भाई, आई मीन ये शुरू से ही बड़ा स्टूपिड खेल रहा था। ओके तो इसने अपना रिवाइवल को सेक्रीफाइस करा, एंड लेट्स सी मेरे पास रश है, आई थिंक मुझे कर देना चाहिए। ये क्यों कर रहा है बार बार, मैं जानता हूँ इसके पास 14 स्टार है बट इस तरह नहीं खेलता है। तो मैं भी यहाँ पे अपने रिवाइवल को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, तो लेट्स सी रश करेगा तो मैं पकड़ लूँगा। इधर रश नहीं किया। ओके फाइन, मेरा भी रिवाइवल था तो मैं सोचा था कि पैन रखूं बट नो यार शिट, यहाँ गलती हो गई। ओके थोड़ा हार्ड तो हो रहा है बिकॉज इसके पास नेलिफिकेशन है, तो थोड़ा सा दिक्कत बन जाता है वेजिटो तो। अल्टीमेट लेट्स सी, आई मीन 14 स्टार का तुम अल्टीमेट अगर झेल जाओ तो क्या चाहिए। तो लेट्स सी यहाँ पे गोकू उसको फेस कर पाएगा, आई मीन डैमेज तो अच्छा खासा जाएगा। ओके नॉट बैड यार, मतलब बहुत अच्छा हैंडल किया इन्हें।
नो, मैं अपने गुगु को डैड नहीं होने दे सकता अभी। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने यू आई गुगु को सेक्रीफाइस कर दिया, तो दिक्कत। ओ नो यार, गेम बड़ी इंटेंस चल रही है अभी। नो, मैं अपने गो फ्रीजा को तो बिल्कुल नहीं होने दे सकता। ओके नो, मैं यहाँ पे कवर चेंज बहुत गलत हो रहा है जिसे कहते हैं, बहुत गलत। ओ यार, मुझे लगा था स्पेशल मूव होना चाहिए ग्रीन कार्ड। ओके, तो मेरे पास गो फ्रीजा अभी भी बचे हैं, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे कम बैक करना पड़ेगा हमें। ओ नो 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 यार, अभी ओ बच गया। नाइस, मैंने पकड़ लिया भाई। मैं अब देखता हूँ, मेरे को रश कर देना चाहिए। मैंने अगर शुरू में ही रश कर दिया होता तो मैं बच जाता है, बट इस बंदे ने मेरे को 1v3 कर दिया ऑलमोस्ट। तो लेट्स गो विद द रश, लेट्स सी। तो इसने ये, आई डोंट नो इसने क्यों चेंज किया, आई मीन एक टाइम पे गोजीटा मेरे को ख़त्म कर सकता था, बिकॉज मैं अभी फ्रीजा निकालूंगा। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे मैं फ्रीजा निकालूंगा जल्दी से। तो यस, एंड यहाँ पे डोगाटा की इम्पैक्ट। ओ गॉड, ओ नाइस। एंड दैट्स इट गाइज, आई थिंक मेरे हिसाब से इस सन फैमिली के लिए बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, बिकॉज ऐसे इक्विपमेंट किसी भी टैंक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यस, मेरी सन फैमिली थोड़ी टैंकी हो गई थी क्योंकि हम 14 स्टार को हैंडल करवा रहे थे। तो यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड फॉर टुडे, बाय बाय गाइज।